हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 4 श्लोक संख्या 30 से प्रारंभ करके आज हम इस अध्याय को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तत्थामा वृंदावनम रम्या काचिरुपासना श्रीमद्भागवत प्रमाणमान प्रेम Shri Ram Prajee
शिवचंद्र भगवान की, वृंदा श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत तीसरा स्कंद अध्याय चार, जिसका शीर्षक है विदुर का मैत्रेय के पास जाना। श्लोक संख्या 30। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। अस्मात् लोकादुपहते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अर्हत्युत्थव एवाथ सम्प्रत्यात्मावथां वरः। अस्माल्लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अर्हत्युत्थव एवाथ अस्मात् लोकात् उपरते। अस्मात् मतलब इस ब्रह्मांड से, लोकात् यानी पृथ्वी से, उपरते यानी ओझल होने पर। मयि ज्ञानम मद आश्रय, मयि अर्थात मेरे विषय में, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, मद आश्रय अर्थात मुझसे संबंधित। भगवान सोच रहे हैं कि जब मैं इस भौतिक जगत से जा रहा हूँ तो मेरे विषय में जो ज्ञान है और मेरी जो स्मृतियाँ हैं वो मैं उद्धव को अर्हत्युद्धव एवाथा। अर्हत का मतलब है योग्य, क्योंकि अर्हत्य उद्धव, सिर्फ उद्धव ही इस योग्य है। एव यानी निश्चय ही, अद्धा यानी प्रत्यक्ष, संप्रति संप्रत्यात्मवताम वरा, संप्रत्य इस समय, आत्मवताम यानी भक्तों में, वरमना सरोपरि। भगवान ने सोचा अब मैं इस अलौकिक जगत अब मैं इस लौकिक जगत की दृष्टि से ओझल हो जाऊंगा और मैं समझता हूँ कि मेरे भक्तों में अग्रणी उद्धव ही एकमात्र ऐसा है जिसे मेरे विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सौंपा जा सकता है। तो क्योंकि राजा परीक्षित ने पूछा था ना कि सब लोग तो चले गए, वृषिवंशी और भोजवंशी, जब सारे सदस्य अंतर्धान हो गए, जो महान सेना नायकों में भी सर्वश्रेष्ठ थे, अकेले उद्धव क्यों बचे? तो इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे प्रिय राजन, ब्राह्मण का शाप तो केवल एक बहाना था, किंतु वास्तविक तथ्य तो भगवान की परम इच्छा थी। वे अपने असंख्य पारिवारिक सदस्यों को भेज देने के बाद पृथ्वी के धरातल से अंतर्ध्यान हो जाना चाहते थे। उन्होंने अपने आप इस तरह सोचा कि अब मैं इस लौकिक जगत की दृष्टि से ओझल हो जाऊं और मैं समझता हूँ कि मेरे भक्तों में अग्रणी उद्धव ही एकमात्र ऐसा है जिसे मेरे विषय में ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सौंपा जा सकता है। श्रीला प्रभुपाद की, श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस श्लोक में ज्ञानम मद आश्रय महत्वपूर्ण है। दिव्य ज्ञान के तीन विभाग हैं, निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान, सर्वव्यापक परमात्मा का ज्ञान तथा भगवान का ज्ञान। इन तीनों में से भगवान की दिव्य ज्ञान का विशेष महत्व है। यह भगवत तत्व विज्ञान कहलाता है। यह विशिष्ट ज्ञान शुद्ध भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी साधन के द्वारा नहीं। अब यहाँ पर श्रीला भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, समलोक का उपरतम मयि ज्ञानम मदाश्रय। मयि मतलब साक्षात भगवान और भगवान से रिलेटेड, ना कोई ब्रह्म की बात हो रही है ना परमात्मा की बात हो रही है। तो भगवान और भगवान का जो ज्ञान है, भगवान की लीलाएं, भगवान की कथाएं, भगवान के गुणगान, भगवान के विषय में जो कुछ है, वो केवल भगवान का भक्त ही समझ सकता है। इसीलिए यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि तीन प्रकार के ज्ञान होते हैं,
एक तो ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म का जो कि ज्ञानियों का है ना मत है, और उसके बाद सर्वव्यापक परमात्मा जो कि योगियों के लिए है। लेकिन भगवान का जो ज्ञान है, इनमें से भगवान के दिव्य ज्ञान का विशेष महत्व है और यह भगवत तत्व विज्ञान कहलाता है। यह विशिष्ट ज्ञान शुद्ध भक्तों के द्वारा प्राप्त होता है, अन्य और किसी विधि से हम भगवान को नहीं समझ सकते। याद रखिए भक्तों, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। भक्ति के केवल प्रेम के द्वारा, ऐसे बताते हैं आचार्य जन, कहते हैं कि साच कहो सुन लो सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जो भगवान से प्रेम नहीं करता वो भगवान को नहीं समझ सकता। और भक्ति का सरल डेफिनेशन श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी सेवा। जब हम प्रेम के साथ भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को प्रेम से निहारते हैं, भगवान के लिए कुछ करते, तो प्रेम जो है, जब प्रेम के साथ भगवान के नाम का उच्चारण होता है, तब भगवान हमें इस योग्य बनाते हैं कि हम भगवान को कुछ कुछ समझ पाएं। ऐसा तो भगवान को पूरा तो कोई नहीं समझता, लेकिन जितना भक्त जन जितना प्रेम करते हैं उतना उतना भगवान उनके ऊपर अनुकंपा करते हैं और ददामि बुद्धि योगम, उनको ऐसी बुद्धि देते हैं जिससे वो भगवान को समझ सकते हैं। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 18.55 में हुई है। भक्त्या माम अभिजानन्ति यावान् यशस्वी तत्वतः। एकमात्र भक्ति सेवा में लगे व्यक्ति ही भगवान की दिव्य स्थिति को ठीक से जान सकते हैं। उद्धव उस काल के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे, अतएव भगवत कृपा से उन्हें सीधे उपदेश दिया गया, जिससे इस जगत की दृष्टि से भगवान के ओझल हो जाने के बाद लोग उद्धव के ज्ञान का लाभ उठा सकें। उद्धव को बद्री का आश्रम जाने के लिए, जहां भगवान नरनारायण अर्चा विग्रह के रूप में स्थित हैं, सलाह दिए जाने के कारणों में से यह एक कारण है। जो मनुष्य आध्यात्मिक रूप से अग्रणी है, वह मंदिर अर्चा विग्रह से प्रत्यक्ष प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि उद्धव को कहाँ भेजा गया। भगवान साक्षात उद्धव के साथ रहते थे, भगवान उनको अपने साथ ले जा सकते थे, परंतु बोला नहीं, आप बद्रिक आश्रम जाओ। और वहाँ तो नरनारायण अर्चा विग्रह के स्वरूप में थे। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जो आध्यात्मिक रूप से अग्रणीय है, जो इस भौतिक दराज से ऊपर है, वह मंदिर अर्चा विग्रह से प्रत्यक्ष प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। भगवान स्वयं उसे प्रेरणा देते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए, या ऐसे होगा, तो वो प्रेरणा देते हैं, वो रिस्पॉन्स देते हैं। यदि भगवान ने कहा ये यथा मम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजामि हम, इस तरह भगवत भक्त सदैव दिव्य ज्ञान में भगवत कृपा से उल्लेखनीय प्रगति करने के लिए भगवान के मान्यता प्राप्त मंदिर की शरण ग्रहण करता है। तो भक्त का जीवन ही भगवान का सानिध्य है। भक्त का मतलब ही यह है कि भगवान के साथ रहे। भगवान मंदिर में जहाँ अर्चा विग्रह सेवा होती है और बहुत ही सुंदर रीति से भगवान की सेवा की जाती है, मंगल आरती की जाती है, संध्या आरती की जाती है, भगवान को भोग लगाया जाता है, भगवान का श्रृंगार किया, तो भक्त कहाँ होगा? भक्त की तो इच्छा होगी ना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान के साथ बिताऊँ। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, नो गुणनार्दितः प्रभु अतो मत्वयूनं लोकं ग्राहयन्निह तिष्ठतु
नोत्थावोर्वपि मन्योनो मत्कुणैर्नार्दितः प्रभो अतो मत्त्वयोनं लोकम् ग्राहयन्निह तिष्ठतु। शब्दात् नोद्धवोर्वपि मन यूनो, नोद्धवो मतलब न मतलब नहीं, उद्धव मतलब उद्धव, उद्धव के अतिरिक्त और कोई नहीं, या उद्धव किसी भी तरह से भगवान से, भगवान कहते हैं वो मेरे बराबर ही है। वो कहते मन यूनो, मन यूनो मतलब मुझसे न्यून मतलब घटकर, वो मुझसे कम नहीं है। यद गुणैर्नार्दितः प्रभु, यद मतलब क्योंकि गुणैर प्रकृति के गुणों द्वारा, न यानी न तो आर्दिता यानी प्रभावित, वो प्रकृति के गुणों के द्वारा प्रभावित नहीं होता प्रभु यानी स्वामी। अतो मध्वयूनम लोकम, अतो मना इसलिए, मध्वयूनम अर्थात मेरा यानी भगवान का ज्ञान, लोकम यानी संसार, ग्राहयन अर्थात प्रसार करने के लिए, इह इस संसार में, तिष्ठतु अर्थात रहता है, रहता रहे। अनुवाद, भगवान ने कहा उद्धव किसी भी तरह मुझसे घटकर नहीं है क्योंकि वह प्रकृति के गुणों द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं हुआ, अतः भगवान के विशिष्ट ज्ञान का प्रसार करने के लिए वह इस जगत में रहता रहे। श्रीला प्रभुपाद की, श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान का प्रतिनिधि बनने के लिए जिस विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता है कि वो प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहना। भौतिक जगत में मनुष्य की सर्वोच्च योग्यता ब्राह्मण बनना है, किंतु चूंकि ब्राह्मण सत्वगुणी होता है अतः ब्राह्मण होना ही भगवान का प्रतिनिधि बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को सत्वगुण को भी लांग कर शुद्ध सत्व में स्थित होना पड़ता है जो प्रकृति के किसी भी गुण से प्रभावित नहीं होता। तो यहाँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात उद्धव के विषय में है वो क्या है कि वो यत गुणैर्नार्दितः यानी वो प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं। और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं त्रय गुणीय विषया वेदा निस्त्रय गुणियो भवान, इन वेदों के गुण, वेदों का जो ज्ञान है वो तीन गुणों के विषय में है, लेकिन उन तीन गुणों से ऊपर उठना ही एकमात्र भक्त की योग्यता है। वो भक्त जो है वो प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक कार्य, प्रत्येक समय केवल भगवान के विषय में सोचता है, भगवान के लिए सोचता है और भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा और चेष्टा करता है। क्योंकि भगवान जो है वो तीनों गुणों से परे हैं, इसलिए भगवान का जो भक्त है वो भी तीनों गुणों से परे हो जाता है। तो यहाँ साफ साफ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं मनुष्य को सत्वगुण को भी लांग कर शुद्ध सत्व में स्थित होना पड़ता है जो प्रकृति के किसी भी गुण से प्रभावित नहीं होता है। दिव्य योग्यता की यह अवस्था शुद्ध सत्व या वसुदेव कहलाती है और इस अवस्था में ईश विज्ञान की अनुभूति की जा सकती है। जिस तरह भगवान प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते उसी तरह भगवान का शुद्ध भक्त भी प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होता। भगवान से तदात्मय होने की यह प्राथमिक योग्यता है। जो व्यक्ति इस दिव्य योग्यता को प्राप्त कर लेता है वह जीवन मुक्त कहलाता है। यद्यपि वह भौतिक अवस्था में रहता है यह मुक्ति उसे प्राप्त होती है जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगा रहता है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.187 में कहा गया है इहायस्य हरे दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्तः सोच्यते। अर्थात जो कोई भी अपने कार्यों, मन तथा वाणी से
एकमात्र भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के लिए जीता है वह निश्चय ही मुक्तात्मा है, भले ही वह इस जगत की भौतिक संसार की अवस्था में ही प्रतीत होता हो। उद्धव ऐसे ही दिव्य पद को प्राप्त थे, इसलिए उन्हें इस जगत की दृष्टि से भगवान की शारीरिक अनुपस्थिति में भगवान का वास्तविक प्रतिनिधि चुना गया था। ऐसा भगवत भक्त भौतिक शक्ति, बुद्धि या वैराग्य से कभी प्रभावित नहीं होता। भगवान का ऐसा भक्त भौतिक प्रकृति के समस्त आघातों को सह सकता है और इसीलिए वह गोस्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी ही भगवान के दिव्य प्रेम में संबंधों के रहस्यों का भेदन कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो जो महत्वपूर्ण है वो क्या है कि मन, कर्म और वचन से जो एकमात्र कृष्ण के विषय में सोचता है, जो एकमात्र कृष्ण के लिए जीता है, केवल शब्दों के द्वारा नहीं, केवल हृदय से नहीं, केवल कार्य नहीं, ये तीनों एक साथ, मन, कर्म, वचन, ये जब तीनों एक साथ कृष्ण में लगे रहते हैं तो जीव जो है वो वसुदेव सत्व को प्राप्त करता है। फिर जो कुछ भी हो रहा होता है उसके जीवन में, जो भी घटना हो रही होती है, वो भगवान के ही निर्देशन से और भगवान की योजना से, भगवान की प्लानिंग से हो रही होती है, क्योंकि उसने अपना सर्वस्व सौंप दिया कृष्ण के चरणों में। अब उससे कुछ करने की या प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी चिंता भगवान करते हैं उसको अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो समस्त भौतिक प्रकृति के समस्त आघातों को सह सकता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो वो सब कुछ सहन करता है और साथ साथ में भगवान को धन्यवाद करता है कि मैं जानता हूँ कि संसार भले मेरे विपरीत हो जाए, परंतु तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा आश्रय मेरे लिए पर्याप्त है। उसके उपरांत शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं त्रिलोक गुरुणा संदिष्ट शब्दयोनिना बदल्याशम शब्दार्थ एवं त्रिलोक गुरुणा। एवं इस प्रकार त्रिलोक अर्थात तीनों जगत के गुरुणाम अर्थात गुरु द्वारा संदिष्ट ठीक से शिक्षा दी जाकर शब्द योनिना जो समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत हैं उसके द्वारा बदर आश्रम अर्थात बद्री का आश्रम के तीर्थ स्थान में आसाद्य पहुंचकर हरिम यानी भगवान को ईजे तुष्ट किया समाधिना अर्थात समाधि के द्वारा। अनुवाद, सुखदेव गोस्वामी ने राजा को सूचित किया कि इस तरह समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत और तीनों लोकों के गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उपदेश दिए जाने पर उद्धव बद्रिका आश्रम तीर्थ स्थल पर पहुंचे और भगवान को तुष्ट करने के लिए उन्होंने अपने आप को समाधि में लगाया। तो यहाँ पर भगवान के लिए बताया गया एवं त्रिलोक गुरुणाम अर्थात वास्तव में तीनों लोकों के गुरु जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं,
दीनबंधु जगत गुरु, ये भगवान श्री कृष्ण जो है, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो वही जो त्रिलोक के गुरु हैं, उन्होंने उद्धव को संदिष्ट ठीक से शिक्षा दी और बताया कि अब आपको बद्रिकाश्रम में जाना, शब्द योनि ना जो समस्त वैदिक ज्ञानों का स्रोत है, ऐसे जिन्होंने सारे वैदिक ज्ञान को प्रकट किया है, उन्होंने जब उद्धव जी को शिक्षा दी और उसके उपरांत आदेश दिया कि आपको बद्रिकाश्रम में जाना है, तो उद्धव जी जो हैं उनसे शिक्षा प्राप्त करके बद्रिकाश्रम पहुँचे और पहुँच कर हरिम ईजे समाधि ना भगवान को संतुष्ट करने के लिए समाधि में स्थित हो गए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के गुरु हैं और वे समस्त वैदिक ज्ञान के आदि उद्गम हैं, किंतु परम सत्य के साकार रूप को वेदों के द्वारा भी समझ पाना अत्यंत कठिन है। परम सत्य के रूप को, भगवान को समझ पाने के लिए उनके निजी उपदेशों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे दिव्य ज्ञान का प्रमाण सार रूप में श्रीमद् भगवत गीता है। परमेश्वर को कोई तब तक नहीं जान सकता जब तक भगवान स्वयं कृपा न करें। भगवान कृष्ण ने यह विशेष कृपा अर्जुन तथा उद्धव प्रकट की जब वे इस भौतिक जगत में थे। तो भगवान स्वयं कहते हैं, ना हम वेदार न तपस्या न दाने न शेषया, मुझे ना वेदों के द्वारा, ना तपस्या के द्वारा, ना दान के द्वारा, ना ही पूजा अर्चना के द्वारा समझा जा सकता है। न मैं वेदो सुरगणान प्रभवम न महर्षया, ना मुझे देवता जान सकते हैं, ना महर्षि जान सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान ही भगवान को जानता है, और यदि किसी जीव को भगवान को समझना है तो भगवान से ही आदेश और उपदेश ग्रहण करना चाहिए, और इस उपदेश का ज्वलंत प्रमाण है श्रीमद् भगवत गीता। तो ये बहुत ही अनुग्रह है भगवान का कि अर्जुन के माध्यम से और उद्धव के माध्यम से हम जैसे पतित जीवों पर साक्षात अपनी कृपा प्रदान की और अपना उपदेश और आदेश हमको प्रदान किया। आज भी यदि हम भगवत गीता और उद्धव को दिए हुए भगवान के संदेश को समझते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो अवश्य भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, निस्संदेह भगवान द्वारा श्रीमद् भगवत गीता का प्रवचन कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में अर्जुन को युद्ध के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए दिए हुआ था, फिर भी भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को पूर्ण बनाने के लिए भगवान ने उद्धव को उपदेश दिया। भगवान की इच्छा थी कि उद्धव उनके मिशन को पूरा करें तथा जो ज्ञान भगवत गीता में भी नहीं दिया गया उस ज्ञान का प्रसार करें। जो लोग वेदों के वचनों के प्रति आसक्त रहते हैं, वे भी इस श्लोक से यह जान सकते हैं कि भगवान समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत हैं। जो व्यक्ति वेदों के पृष्ठों का अध्ययन करने के बाद भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ पाते, वे भगवान विषय ज्ञान में आगे बढ़ने के उद्देश्य से उद्धव जैसे किसी भगवत भक्त की शरण ग्रहण कर सकते हैं। यह श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, वास्तव में वेदों का जो वास्तविक लक्ष्य है वो भगवान स्वयं कहते हैं कि वेदस्य सर्वे अहमेव वेद्यो, कि समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य केवल मैं हूँ। लेकिन फिर भी जीव जो है वो इतना मंदबुद्धि है कि केवल वेदों के अध्ययन से भगवान को नहीं समझ सकता। इसलिए भगवान को समझने का और भगवान के गुण लीलाओं को श्रवण करने के अतिरिक्त और कोई
विकल्प ही नहीं है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे लिए शिक्षा है वो क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने के लिए, भगवान विषय ज्ञान में आगे बढ़ने के उद्देश्य से उद्धव जैसे किसी भगवान के शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ब्रह्म संहिता का कथन है कि वेदों से भगवान को समझ पाना अत्यंत कठिन है, किंतु उद्धव जैसे शुद्ध भक्तों से उन्हें आसानी से समझा जा सकता है। वीरेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मा भक्त। भगवान ने भद्रिका आश्रम में रहने वाले महर्षियों पर कृपा करके उद्धव को अपनी ओर से बोलने के लिए अधिकृत किया। ऐसा अधिकार प्राप्त किए बिना ना तो कोई व्यक्ति भगवत भक्ति को समझ सकता है, ना ही उसका उपदेश दे सकता है। जब भगवान इस धरा पर विद्यमान थे तो उन्होंने अंतरिक्ष की भी यात्रा करके स्वर्ग से पारिजात लाने तथा अपने गुरु संदीपनि मुनि के पुत्र को यमलोक से वापस लाने जैसे बहुत से असामान्य कार्यकलाप संपन्न किए। उद्धव को निश्चित रूप से अन्य लोकों में जीवन की स्थिति के विषय में बतलाया गया था और सारे ऋषि उन लोगों के बारे में जानने के लिए उसी तरह उत्सुक थे जिस तरह हम अंतरिक्ष के ग्रहों के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। उद्धव को यह संदेश भद्रिका आश्रम को ले जाने के लिए ना केवल उस तीर्थ स्थल के ऋषियों के लिए अपितु नर नारायण अर्चा विग्रह के लिए भी विशेष रूप से नियुक्त किया गया था। ऐसा संदेश वेदों के पृष्ठों में वर्णित ज्ञान की उपेक्षा अधिक गुह्य रहा होगा। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान क्योंकि हर एक लोक के बारे में जानते हैं, कभी वो स्वर्ग जाते हैं पारिजात लेने के लिए तो कभी सांदीपनि मुनि के पुत्रों को लेने के लिए यमलोक जाते हैं, तो क्योंकि भगवान ने साक्षात उद्धव को उपदेश दिया था तो सब कुछ बताया होगा कि कहाँ पर कौन कौन से लोक में कौन कौन से ग्रह में किस तरह से जीवन है। तो ये सारे संदेश को उद्धव को बताने का अभिप्राय क्या था कि वो जो तीर्थ स्थल के ऋषि उनको अपितु नर नारायण अर्चा विग्रह के लिए भी विशेष रूप से नियुक्त किया गया कि आप जाओ और अर्चा विग्रह की सेवा भी, क्योंकि उनको पता है होगा कि ये साक्षात भगवान है तो उनकी सेवा प्लस उन ऋषियों को ये सब भगवान के विषय में बताने के लिए उद्धव को भगवान लेके नहीं गए थे। यही पूछा था ना राजा ने कि उद्धव कैसे रह गए, तो उसके विषय में बता रहे। तो भगवान निस्संदेह समस्त ज्ञान के स्रोत हैं और उद्धव के माध्यम से नर नारायण तथा अन्य ऋषियों के पास भेजे गए संदेश भी वैदिक ज्ञान के अंश थे, किंतु वे अधिक गुह्य थे और वे एकमात्र उद्धव जैसे शुद्ध भक्त के माध्यम से ही भेजे या समझे जा सकते थे, क्योंकि ऐसा गुह्य ज्ञान केवल भगवान तथा उद्धव को ही ज्ञात था। अतएव यह कहा जाता है कि उद्धव स्वयं भगवान के सदृश थे, क्योंकि भगवान ने कहा कि उद्धव तो मेरी तरह ही तीनों गुणों से परे है। तो भगवान ने यही इसीलिए उद्धव को ही नियुक्त किया, क्योंकि वो भगवान के विषय में इस ज्ञान को समझ सकते हैं और क्योंकि वो भगवान की कृपा पात्र हैं इसीलिए उन्हीं को अधिकार है कि इस ज्ञान को संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए सबको प्रचार करें। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, उद्धव ही की तरह हर एक जीव भी भगवान के ही स्तर पर दिव्य संदेशवाहक बन सकता है, बशर्ते ये कि वह प्रेमा भक्ति के द्वारा स्वयं विश्वस्त हो ले। ऐसा गुह्य ज्ञान उद्धव तथा अर्जुन जैसे शुद्ध भक्तों को ही सौंपा जाता है, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि हुई है, और मनुष्य को उन्हीं से यह रहस्य सीखना होता है, अन्य उपाय से नहीं। श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम को भगवान के ऐसे विश्वस्त भक्तों की सहायता के बिना
नहीं समझा जा सकता। अभी शिला प्रभुपाद जी साफ साफ बता रहे हैं कि हार ऐसा नहीं है कि अब कोई भी उद्धव की तरह प्रचार करने के योग्य नहीं बन सकता या कोई भगवान को नहीं समझ सकता। यहाँ शिला प्रभुपाद जी ने कहा हर एक उद्धव की तरह हर एक जीव भी भगवान के ही स्तर पर दिव्य संदेशवाहक बन सकता है, लेकिन शर्त क्या है? बशर्त यह कवि प्रेमा भक्ति के द्वारा स्वयं विश्वस्त हो ले। प्रेमा भक्ति यदि तक जीव नहीं करेगा तब तक वो इस योग्य नहीं बनता है। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम ये जो शब्द है ना, ये भगवान के शुद्ध प्रेम भक्त, प्रेमी भक्त ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरणारविंद शिला प्रभुपाद जी के शब्द हैं, और उनके द्वारा बताया हुआ एक एक शब्द जो है वो दिव्य है, क्योंकि उन्होंने परंपरा से इस ज्ञान को हम तक पहुंचाया है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस एक एक शब्द को हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि हुई है कि मनुष्य को उन्हीं से यह रहस्य सीखना चाहिए, अन्य उपाय से नहीं। भगवान ने कहा तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः, कि एक शुद्ध वैष्णव के गुरु की शरण में जाओ, वही तुम्हें ज्ञान दे सकता है क्योंकि उन्होंने तत्व को देखा है। भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम को भगवान के ऐसे विश्वस्त भक्तों की सहायता के बिना नहीं समझा जा सकता। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवीय संदेश अवश्य ही भगवान के प्रयाण के रहस्य तथा इस लोक में उनके प्राकट्य के 100 वर्षों बाद उनके वंश के संहार के विषय में जानने से संबंधित रहा होगा। हर व्यक्ति यदुवंश के संहार के रहस्य को जानने के लिए अति उत्सुक रहा होगा, और वह संदेश भगवान द्वारा उद्धव को बतलाया गया होगा तथा नर नारायण एवं अन्य शुद्ध भक्तों की जानकारी के लिए बद्रिकाश्रम भेजा गया होगा। श्रीला प्रभुपाद की जय। आगे श्री सुखदेव गोस्वामी कहते विदुरोप्युत्थवा श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः पीडयोपात्तदेहस्य कर्माणि श्लाघितानि च। विदुरोप्युत्थवा श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः क्रीडयोपात्तदेहस्य कर्माणि श्लाघितानि च। शब्दार्थ विदुरोप्युद्धवा श्रुत्वा। विदुर अर्थात विदुर जी ने अभी भी उद्धवात यानी उद्धव के स्रोत से, उद्धव जी से श्रुत्वा यानी सुनकर कृष्णस्य परमात्मना, कृष्णस्य अर्थात भगवान कृष्ण का, परम आत्मना यानी परमात्मा का क्या सुना? क्रीडयोपात्त देहस्य, क्रीडयो अर्थात मृत्यु लोक में लीलाओं के लिए जो क्रीड़ा की उन्होंने वो उपात्त अर्थात साधारण रूप से स्वीकृत देहस्य शरीर, इस भौतिक जगत में साधारण मानव जैसा शरीर धारण करके भगवान ने जो जो आश्चर्यजनक लीलाएं की, कर्माणि अर्थात दिव्य कार्य, और ऐसे कार्यों को सुनने के लिए श्लाघितानि च, श्लाघितानि अत्यंत प्रशंसीय भी, यानी कि जो बड़े बड़े महर्षि हैं वो भी बहुत ही हृदय से इनको जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। अनुवाद, विदुर ने उद्धव से इस मृत्यु लोक में भगवान परमात्मा अर्थात भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव तथा तिरोभाव के विषय में भी सुना, जिसे महर्षिगण बड़े ही लगन के साथ जानना चाहते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं परमात्मा अर्थात भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव तथा तिरोभाव के विषय में महर्षियों तक के लिए रहस्य बना हुआ है।
इस श्लोक में परमात्मनः शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्णस्य परमात्मनः, सामान्य जीव प्राय आत्मा कहलाता है, किंतु भगवान कृष्ण कभी भी सामान्य जीव नहीं है, क्योंकि वे परमात्मा है। फिर भी मनुष्य के रूप में उनका आविर्भाव तथा इस मृत्युलोक से पुनः उनका तिरोभाव उन शोधार्थियों के लिए शोध का विषय है, जो बड़ी ही लगन के साथ शोध कार्य करते हैं। ऐसे विषय निश्चय ही अधिकाधिक रोचक हैं, क्योंकि शोधार्थियों को भगवान का दिव्य धाम खोजना होता है, जिसमें भगवान मृत्युलोक की लीलाएं समाप्त करने के बाद प्रवेश करते हैं। किंतु महर्षियों तक को कोई जानकारी नहीं है कि इस भौतिक आकाश के परे आध्यात्मिक आकाश है, जहां श्री कृष्ण अपने संगियों समेत नित्य निवास करते हैं। यद्यपि उसी के साथ साथ वे सारे ब्रह्मांडों में भारी से भारी अपनी मर्त्यलोक की लीलाएं प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान का आना और जाना हर किसी के लिए आश्चर्यजनक है, और स्पेशली जो जिज्ञासु हैं। भगवान ने कहा, मेरी शरण में चार प्रकार के लोग आते हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत। लेकिन जो शोधार्थी हैं, जो जिज्ञासा करते हैं, अरे भगवान वो इस संसार में आते हैं, फिर उनका तिरोभाव होता है, फिर वो कैसे जाते हैं और कौन से लोक में जाते हैं? तो भगवान यहाँ शीला प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान के विषय में जान पाना ये किसी के लिए संभव नहीं है। महर्षि तक को ना जानकारी नहीं है, नवे विदु सुरगणा महर्षि, ये महर्षि भी मुझे नहीं जान सकते कि किस प्रकार भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक आकाश में भगवान अपने संगियों समेत किस तरह से निवास करते हैं, कैसे भगवान का धाम है, कैसे भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं, जबकि भगवान उसी के साथ साथ प्रत्येक ब्रह्मांड में भी भारी भारी लीलाएं कर रहे होते हैं। तो भगवान अचिंत्य हैं, भगवान हमारी बुद्धि में नहीं समेटे जा सकते। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.37 में हुई है। गोलोक एव निवसत्य खेलात्मा भूत। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से अपने नित्य धाम गोलोक में रहते हैं, फिर भी साथ साथ परमात्मा रूप में वे सर्वत्र आध्यात्मिक तथा भौतिक आकाशों में अपने विविध रूपों द्वारा विद्यमान रहते हैं। अतएव उनके आविर्भाव तथा तिरोभाव साथ साथ चलते रहते हैं, और कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि उनमें से कौन सा अथ है और कौन सा इति। अथ क्या होता है? जैसे हम लोग है ना चैप्टर शुरू करते बोलते अथ सांख्य योगो नाम द्वितीयोध्याय, फिर बोलते इति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषद। तो भगवान का एक जगह पर आविर्भाव होता है, दूसरी जगह पर है ना भगवान का तिरोभाव होता है। तो भगवान की लीला नित्य चलती रहती है, अतएव उनके आविर्भाव तथा तिरोभाव साथ साथ चलते रहते हैं। कोई भी निश्चित रूप से ये नहीं कह सकता कि इनमें से कौन सा अथ है और कौन सा इति। उनकी नित्य लीलाओं का कोई आदि अंत नहीं है, उन्हें शुद्ध भक्त से ही जाना जा सकता है। अतः तथाकथित शोध कार्य में मूल्यवान समय नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी एक सुझाव देते हैं कि अब इतना तो आपको ज्ञान हो ही नहीं सकता कि भगवान के विषय में सब कुछ जान लो, भगवान की लीलाएं, भगवान के कार्य, भगवान के कर्म, ये सब दिव्य हैं। तो शोध कार्य में अपना समय बिताने समय गंवाने से बेहतर है किसी शुद्ध भक्त के साथ मिलकर भगवान के साथ प्रेम करना सीखो, भगवान की प्रेम में सेवा करना सीखो। और भगवान ने कहा, तुम्हारी बुद्धि से समझ में आने का विषय नहीं हूं मैं, आप अपनी बुद्धि से मुझे नहीं समझ सकोगे, ना ही मेरे कार्यों को समझ सकोगे, मैं आपको एक दिव्य बुद्धि दूंगा, है ना। तेषां सतत युक्तानां
भजतम प्रीति पूर्वकम, उसके लिए शर्त है आप प्रेम से मेरा भजन करो, प्रेम के साथ प्रीति पूर्वकम। फिर क्या करूँगा? ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, उस बुद्धि फिर मैं तुम्हें ऐसी बुद्धि दूंगा जिसे आप मुझे समझ सकते हो, ना केवल मुझे समझ सकते हो परंतु मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो श्रील प्रभुपा जी बता रहे हैं, शोध कार्य में भगवान को समझने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, भगवान का प्रेम से भजन करो और भगवान से प्रार्थना करो कि किसी शुद्ध वैष्णव का सानिध्य प्राप्त हो, जो भगवान तक पहुंचा हुआ हो, और बस कुछ नहीं करना है। जब हम किसी नाव में बैठते हैं ना, तो प्रत्येक व्यक्ति को चप्पू चलाना नहीं पड़ता, है ना, वो तो नाविक होता है, वो चप्पू चलाता है और प्रत्येक जो नाव के अंदर बैठे हैं वो सब पार उतर जाते हैं। तो हम सबको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमको इस नाम रूपी कश्ती में बिठाया है ना, उस नाव में बैठकर, ये भगवान का नाम जहाज के समान है, नाम जहाज है, ये जो नाम है वो जहाज है, और वो ऐसा जहाज है जो हमें भवसागर से पार लगा सकता है। बाकी ये भवसागर क्या है, इसमें क्या हो रहा है, भगवान ने कैसे संसार की उत्पत्ति की, भगवान ने पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, ये सब इतना महत्वपूर्ण नहीं है जानना, लेकिन फिर भी जितना जितना हमको आचार्यों के द्वारा ज्ञान है उतना समझने का प्रयास करना चाहिए, और अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, ये इसलिए जानना है क्योंकि हमें भगवान की महानता के विषय में पता चले कि कृष्ण कितने महान हैं, और क्यों जाने क्योंकि कृष्ण महान है, ताकि हम और भी कृष्ण की ओर आकर्षित हो सके और भी कृष्ण से प्रेम कर सके। आगे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं, देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनां देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनां। शब्दार्थ, देहन्यासं च तस्य एवं, देहन्यास मतलब शरीर में प्रवेश, च तस्य उनका, एव भी, धीराणाम महर्षियों का धैर्य अर्थात धीरज वर्धनम बढ़ाते हुए, अन्येषां अन्यों के लिए दुष्करतरम निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है, यानी कि भगवान का इस भौतिक जगत में देह धारण करना और अब भगवान की अद्भुत अचिंत्य लीलाएं करना, ये तो केवल महर्षियों के द्वारा ही धारण किया जा सकता है, बाकी अन्य जो है, अन्येषां दुष्करतरम, दूसरों के लिए निश्चित रूप से अत्यंत कठिन है। और आगे बताते हैं, पशुनाम विक्लवात्मनाम, पशुनाम मतलब पशुओं जैसा जिनका जीवन है, केवल पशुओं की तरह हर निद्रा बहने व्यथन में लगे हुए हैं, विक्लव उनको तो बेचैन कर देता है, अच्छा भगवान, दुष्कर विक्लव आत्मनाम, ऐसे मन का अनुवाद देखिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान के यशस्वी कर्मों तथा मृत्युलोक में असाधारण लीलाओं को संपन्न करने के लिए उनके द्वारा धारण किए जाने वाले विविध दिव्य रूपों को समझ पाना उनके भक्तों के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए अत्यंत कठिन है, और पशुओं के लिए तो वे मानसिक विक्षोप मात्र है। तो ये भगवान है
और भगवान संसार में आते क्यों है? भगवान के पास क्या इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने दिव्य धाम में बैठे हुए संसार के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं? को भगवान भी आते हैं तो क्यों भगवान बनकर नहीं आते? कभी वो वराह बनकर आते हैं, तो कभी मत्स्य, तो कभी कच्छप, तो कभी वामन, तो ये क्यों बन के आते हैं? अपना स्वरूप धारण करके आए। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ साफ पता है, पशु नाम विक्लव आत्मना, कि जो पशु टाइप के लोग होते हैं, जो भगवान का नाम स्मरण नहीं करते, जो अपने जीवन में भगवान की भक्ति नहीं करते, केवल खाना पीना और सहवास करना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, वो तो ये कभी नहीं समझ पाएंगे। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान के दिव्य स्वरूपों तथा लीलाओं का भगवद गीता में जिस रूप में वर्णन हुआ है, अभक्तों के लिए उन्हें समझ पाना कठिन है। भगवान कभी भी ज्ञानियों तथा योगियों जैसे व्यक्तियों के समक्ष अपने को उद्घाटित नहीं करते। कुछ अन्य लोग भी हैं जिनकी गणना हृदय की गहराई से भगवान से ईर्ष्या करने के कारण पशुओं में की जाती है। तो यहाँ भगवान श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान ज्ञानियों को यह समझ में नहीं आते, योगियों को भी समझ में नहीं आते, और जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, जो पशुओं की तरह हैं, वो ईर्ष्यालु पशुओं के लिए भगवान के आविर्भाव तथा तिरोभाव का विषय केवल मानसिक विक्षोभ है। जैसा कि श्रीमद् भगवद्गीता 7.15 में बताया, पुष्टि हुई है, ऐसे दुर्जन जिन्हें मात्र भौतिक भोग की ही चिंता रहती है, जो बारवाही पशु, बारवाही मतलब बोझ उठाने वाले पशुओं की तरह सारा जीवन अपने कठिन श्रम करते रहते हैं, जिनको केवल अपने जीवन में किस तरह से भोग करना है उसी की चिंता है, तो आसुरिक भाव के कारण किसी भी अवस्था में भगवान को नहीं समझ पाते। दिखने में लगता है संसार में कभी कभी ये कितना बुद्धिमान है, ये कितना भक्ति नहीं करता, लेकिन फिर भी ये चालाक है, बुद्धिमान है, क्लेवर है, या ऐसा लगता ना। लेकिन भले कुछ भी हो, उसका जीवन मात्र गधों की तरह श्रम करना है। भगवान ने उसको बुद्धि दी है अपने विषय में जानने के लिए, भगवान ने उसको शरीर दिया है, मनुष्य देह दिया है, और उस मनुष्य देह में यदि कुछ उपलब्धि है, यदि कुछ प्राप्त करने योग्य है, तो वो भगवत प्राप्ति है। और अगर कोई उसको प्राप्त करने के अतिरिक्त संसार भर को प्राप्त कर ले, तो वो केवल गधों की तरह मेहनत है, श्रम एव ही केवलम। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, मृत्यु लोक में अपनी लीलाओं के लिए भगवान द्वारा प्रदर्शित दिव्य शारीरिक अंशों तथा ऐसे दिव्य अंशों का आविर्भाव तथा तिरोभाव कठिन विषय है, और जो लोग भक्त नहीं हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे भगवान के आविर्भाव तथा तिरोभाव की चर्चा ना करें, अन्यथा वे भगवान के चरण कमलों पर और अधिक अपराध कर सकते हैं। वे आसुरी भाव के भगवान के दिव्य आविर्भाव तथा तिरोभाव के विषय में जितनी ही अधिक चर्चा करेंगे, उतना ही अधिक वे नरक के गहनतम भागों में प्रवेश करेंगे। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 16.20 में कहा गया है, जो भी व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेम युक्त सेवा भाव के विरुद्ध है, वह न्यूनाधिक पशु है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में इस श्लोक में हुई है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब तक भगवान की भक्ति नहीं करते हो, तो कम अज कम इतना करो कि भगवान के विषय में, भगवान के आविर्भाव और उनके तिरोभाव, उनकी लीलाओं के विषय में चर्चा भी मत करो। क्योंकि जो भक्त नहीं है, वो तो जितना जितना चर्चा करेंगे, उतना उतना अपराध करेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि नरक की ओर अग्रसर होने से बेहतर है कि जब तक भगवान के विषय में, भगवान के हृदय, भगवान के लिए हृदय में प्रेम उत्पन्न न हो, भक्ति उत्पन्न न हो, तब तक भगवान के विषय में बात भी नहीं करनी चाहिए, है ना। यह बात साहब, वे असुरी भाव से भगवान के दिव्य
आविर्भाव तथा तिरोभाव के विषय में जितनी ही अधिक चर्चा करेंगे उतना ही अधिक वे नरक की और नरक के गहनतम भागों में प्रवेश करेंगे। तो इससे बेहतर है कि हमें किसी शुद्ध वैष्णव से सुनना चाहिए और अगर हमारे हृदय में भगवान के लिए भक्ति उत्पन्न नहीं है तो फिर भगवान के विषय में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे फिर अपराध होगा। और इसीलिए कहा गया है कि भगवान ने स्वयं भी कहा कि ये ज्ञान उनको मत बताना जिनके हृदय में मेरे लिए भक्ति नहीं। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुशुषवे वाचम न च माम योभ्यसूयते। अर्जुन उनको नहीं बताना जो मेरे भक्त नहीं है, जो मेरी भक्ति नहीं करते, मेरी पूजा नहीं करते, मुझसे ईर्ष्या करते, उनको बताओगे तो उन वो सुनकर और भी निंदा करेंगे और जितना जितना मेरे विषय में वो गलत बोलेंगे उतना उतना उनको नरक की ओर जाना पड़ेगा। इसीलिए ये नवा नाम अपराध है। अश्रद्धालु व्यक्तियों को हरिनाम के विषय में बताना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भक्ति भक्त का एक ही उद्देश्य होता है कि जीवों को जन्म मरण के चक्कर से बचाए और भगवान की ओर आकर्षित करे। लेकिन कोई व्यक्ति के अंदर श्रद्धा ही नहीं है तो जितना जितना सुनेगा तो और भी भगवान के विषय में कुछ गलत बोलेगा तो और भी ज़्यादा वो गहनतम नरक की ओर चला जाएगा। तो इसीलिए उनके सामने चर्चा भी नहीं करनी चाहिए ताकि उनको अपराध करने का अवसर ही ना मिले। उसके उपरांत सुखदेव गोस्वामी विदुर जी के विषय में बताते हैं। वे कहते हैं आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितं ध्यायन् गते भागवते रुरोद प्रेम विह्वल आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितं ध्यायन् गते भागवते रुरोध प्रेम विह्वल। शब्दार्थ आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ। आत्मानम अर्थात स्वयं उसके विषय में चर भी कुरु शिक्षित हे कुरुओं के श्रेष्ठ कृष्ण मन से क्षिप्तम। कृष्ण अर्थात कृष्ण द्वारा मनसा अर्थात मन से ईक्षितम अर्थात स्मरण किया। जब विदुर जी ने सुना कि भगवान ने मुझे याद किया था, ये कितनी बड़ी जीव के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है कि भगवान उसे याद करे। तो कृष्ण मनसि क्षिप्तम, कृष्ण ने मुझे स्मरण किया। ध्यायन गते भागवते, ध्यायन अर्थात इस तरह जब उन्होंने सोचा चले जाने पर भागवते भक्त के, जब उद्धव जी चले गए और विदुर ने सोचा कि मुझे याद किया भगवान ने, तो ऐसा सोचकर रुरोध प्रेम विह्वल, रुरोध जोर से चिल्लाया, प्रेम विह्वल प्रेम भाव से अभिभूत हो गए। इससे बढ़कर और एक जीव के लिए सौभाग्य क्या हो सकता है कि जिस समय भगवान इस पृथ्वी लोक का त्याग कर रहे हैं उस समय किसी जीव को स्मरण करे, है ना। तो जब विदुर जी ने सोचा कि भगवान ने मुझे याद किया था तो वो चिल्ला कर रो रहे थे, क्योंकि वो अपने नेत्रों से गिरते हुए अश्रुधाराओं को रोक नहीं पा रहे थे, वो कृष्ण को स्मरण कर रहे थे। एक भक्त कृष्ण को स्मरण करे ये तो उसका स्वभाव है, लेकिन कृष्ण जब भक्त का स्मरण करे तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है एक भक्त के लिए। अनुवाद देखिए, यह सुनकर कि इस जगत को छोड़ते समय भगवान कृष्ण ने उनका स्मरण किया था, विदुर प्रेम भाव से अभिभूत होकर
जोर जोर से रो पड़े। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते, जब विदुर जान पाए कि अंतिम समय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने उनका सुमिरन किया था, तो वे प्रेम भाव से अभिभूत उठे। यद्यपि वे अपने को नगण्य मानते थे, फिर भी भगवान ने अपनी अहेतु की कृपावश उनका स्मरण किया। विदुर ने इसे महान कृपा के रूप में स्वीकार किया, इसलिए वे रो पड़े। ऐसा रोना भक्ति मार्ग में अग्रसर होने का अंतिम संकेत है। जो व्यक्ति प्रेमवश भगवान के लिए चिल्ला सकता है, वह भक्तिमय सेवा के मार्ग में निश्चय ही सफल है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी प्रेम की अंतिम संकेत बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग में अग्रसर होने का अंतिम संकेत यही है कि कृष्ण को याद करके हृदय वह्वल उठे और चिल्ला कर कृष्ण के विरह को व्यक्त किया जाए, तो वह भक्ति सेवा के मार्ग में निश्चित ही सफलता है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद्गद्रुद्धया केरा पुलकर निश्चितम वपुः कथा दवनाम ग्रहणे भविष्यते। कि भगवान से हमेशा यह प्रार्थना करनी चाहिए कि क्या कभी मेरे जीवन में ऐसा समय आएगा कि आपका नाम ग्रहण करते हुए मेरे नेत्रों से अश्रुधाराएं बहेंगी, आपको स्मरण करते हुए मेरा कंठ रुद्ध हो जाएगा, मेरा पूरा शरीर रोमांचित उठेगा। यही 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 वो स्थिति है जहाँ तक पहुँचना है। क्योंकि जब तक रुद्धन नहीं होता, चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद हैं उन्होंने यही तो सिखाया है। और ये एक बार प्रेममयी अश्रु यदि भगवान देख लेते हैं, एक बार देखे जग से जा गौर बोले नित्य दीनो सकल संभव, वो देख लेते हैं कि मेरे लिए रो रहा है, बस उनको पिघलाने। ये जो अश्रु है ना, वो भगवान को खींच कर आने के लिए सबसे तीव्र वाहन है। कभी कभी यदि भगवान को एट अ टाइम उसी क्षण यदि बुलाना हो, प्रकट करना हो ना, तो उसके लिए गरुड़ जी जो बहुत है, वो गरुड़ जी की गति धीमी हो जाती है और दारुक तो बहुत पीछे रह जाते हैं, लेकिन ये अश्रु का जो वाहन है वो भगवान को स्वयं प्रकट कर देता है उसी क्षण, तनिक भी देर नहीं लगती। आगे शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, कालिंद्या कति भी सिद्धि अहो भीर भरत ऋषभ प्रापद्यत स्वः परितम् प्रापद्यत स्वः सरितम् यत्र मित्रा सुतो मुनि कालिंद्या कति भी सिद्धि कालिंद्या कति भी सिद्ध अहो भीर भरत ऋषभ प्रापद्यत स्वसरितम् प्रापद्यत स्वः सरितम् यत्र मित्रा सुतो मुनि कालिंद्या कति भी सिद्ध अहो भीर भरत ऋषभ प्रापद्यत स्वः सरितम् यत्र मित्रा सुतो मुनि। शब्दार्थ कालिंद्या कति भी सिद्धि। कालिंद्या, कालिंदी कहते हैं यमुना नदी को, यमुना के तट पर कति भी यानी कुछ, सिद्धे यानी बीच जाने पर
अहोभी यानी दिन कुछ दिन यमुना नदी पर ही रहे। उद्धव जी की भेंट विदुर जी के साथ वृंदावन में हुई थी और वृंदावन में भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसा लगता है कि भगवान अब भी वहीं पर है और भगवान ने कहा है मैं वृंदावन को छोड़कर, तो भक्त वृंदावन में कुछ समय रहना चाहते हैं और कालिंद्या ये यमुना के तट पर कुछ समय रहे। भरत अर्षभ हे भरत वंश में श्रेष्ठ प्रापद्यतः स्वः सरितम, प्रापद्यतः अर्थात पहुंचा, स्वः सरितम, सरितम कहते हैं गंगा नदी को, फिर वो गंगा नदी तक पहुंचे और वहां पर यत्र मित्रा सुतो मुनि, यत्र जहां पर मित्रा सुत यानी मित्र के पुत्र, मुनि यानी मैत्रेय ऋषि, उनसे उनकी मुलाकात हुई। अनुवाद, यमुना नदी के तट पर कुछ दिन बिताने के बाद स्वरूप सिद्ध आत्मा विदुर गंगा नदी के तट पर पहुंचे जहां मैत्रेय मुनि के मुनि स्थित थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत विदुर का मैत्रेय के पास जाना नामक चौथे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुए। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तो श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में प्रथम जो चार अध्याय हैं उसमें विदुर जी और उद्धव जी का संवाद हमने पढ़ा और उसके उपरांत कल हम अध्याय नंबर 5 प्रारंभ करेंगे जिसमें मैत्रेय से विदुर की वार्ता होगी और अत्यंत ही सुंदर वार्ता होगी। आप सब मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना से को अच्छे से कर सकूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।